उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार की सुबह 7 बजे सर्वे करने वाली टीम जब मस्जिद पहुंची थी तो उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि अगले 1-2 घंटे में वहां क्या होने वाला है। भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात तो किया गया था, लेकिन जब बवाल भड़का तो उस पर काबू पाने में फोर्स भी कम पड़ गई। उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर जमकर पत्थर चलाए। लोगों के घरों की छतों पर हमला करने के लिए पत्थर जुटा कर रखे गए थे। खबर तो ये भी है कि उपद्रवियों के पास तमंचे जैसे हथियार भी थे बवाल के दौरान, जिनका प्रयोग भी किया गया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के तभी से नाराजगी पनप रही थी। रविवार की सुबह अचानक से जब टीम दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंची तो लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। उधर टीम मस्जिद का सर्वे कर रही थी, उसी वक्त बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे थे। सुरक्षा के लिए बाहर तैनात पुलिस ने भीड़ देखी तो लोगों को समझाने की कोशिश की। इसकी कुछ ही देर बाद वहां बवाल शुरू हो गया। लोगों ने सड़क से, गलियों से और अपने घरों की छतों पर से पुलिस टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अचानक से हुए इस हमले के लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी। पहले तो पुलिस के जवान जान बचाकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाद में हल्का बल प्रयोग करने और आंसू गैस के गोले छोड़कर बवाल को काबू में किया गया। हिंसा के दौरान 4 युवकों की मौत भी हो गई है, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं। हालांकि इस संघर्ष के बीच सर्वे करने आई टीम ने मस्जिद के भीतर अपना काम पूरा कर लिया। मस्जिद के सर्वे के दौरान टीम को ये आभास तो था ही कि ये आसान नहीं रहने वाला है और स्थानीय लोगों के आक्रोश से स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। यही कारण था कि सर्वे की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। लेकिन इस पूरे उपद्रव में इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठने लगे हैं। बवाल करने वाले लोगों की तैयारी की जानकारी होती तो पुलिस उसके हिसाब से अलर्ट रह सकती थी। जिस तरीके से टीम पर हमला हुआ वो बताता है कि उपद्रव करने वाले लोग हमले की पूरी तैयारी में थे। ये भी खबर है कि उपद्रवियों के पास तमंचे भी मिले हैं। हिंसा के बाद नाले में मिले खाली कारतूस से कथित तौर पर इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे में यह साफ हो जाता है कि हिंसा को लेकर के पूरा जो प्लान था वो पहले से तैयार था। पुलिस ने फिर भी हालात संभाल लिए, लेकिन इस पूरे दृश्य में खुफिया विभाग की अनुपस्थिति से मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, जटिल बना दिया गया इस पूरे मामले को। और हिंसा में 4 लोगों की जान भी चली गई है। तो कुल मिलाकर के इंटेलिजेंस जो है वो सवालों के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है कि अगर ये इलाका उतना हॉट था, वहाँ पर ऐसे हालात बने हुए थे, तो आखिर इसकी खबर इंटेलिजेंस को क्यों नहीं थी। और एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि जो 1000 लोग वहाँ पर मौजूद हो गए थे, 1000 लोग अचानक से, 1000 लोगों की भीड़ वहाँ पर सर्वे के दौरान आ गई थी, इसकी भी प्लानिंग शुरुआत से हो रखी थी। अंत में सवाल यही है कि हमारी इंटेलिजेंस की टीम कहाँ थी, उन्हें कोई इंटेल इस बारे में क्यों नहीं था। वहीं इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।